अब तो आप संतुष्ट हैं माताराम जी। दामाद बाबू, हमका संतुष्टि तब हुईगा जब आप ईद दोबारा लिखेंगे। अभय सिंह ठाकुर का नाम से नहीं, देव राज पुरोहित का नाम से। ये क्या कह रही हैं आप? ये ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ माताराम जी, जब मैं देव बाबू हूं ही नहीं तो मैं ये सब क्यों करूंगा? वो तो हम जानत है ना कि आप देव नहीं, पर दुनिया वाले तो ये बात नहीं जानते कि आप देव नहीं अभय सिंह ठाकुर हैं। और कौनो तिगड़म करके ई घर वाले लोगन ने ई साबित कर दिया कि आप देव हैं, तो ई हमरी बिटिया का जिंदगी का सवाल है। हम कौनो जोखिम नहीं उठा सकत। ई तो आपको हमको लिखित में देना ही पड़ेगा। ठीक है माताराम जी। क्या ठीक है देव? क्या ठीक है? तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? जब तू अपने आप को देव मानता ही नहीं है तो फिर कैसे लिख सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देव देव मत लिख बेटा, मत लिख। ये इनकी साजिश है बेटा, मत कर। ठहरिए दामाद बाबू, हम एक बार पढ़ना चाहेंगे दस्तखत करने का पहले। मैं देवराज पुरोहित अपना पूरो होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से ये लिख के देता हूं कि कल अख्ती का दिन मैं सिर्फ और सिर्फ कनिका से शादी करूंगा। दस्तखत करिए दामाद बाबू। हमका आपसे यही उम्मीद था दामाद बाबू। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपना जिम्मेदारी पूरा किए हैं बल्कि एक माँ को भी चिंता मुक्त किए हैं। माता जी, अब तो इस शादी ना आप रोक सकत हैं ना आपके राधिका का विश्वास। चित और पट दोनों अब हमरे हाथ में है। रजन, जय शिव शंभू।
पुरोहित परिवार कहत रहा कि देव का कुंडली में बस एक ही शादी का योग है। उका शादी कनिका से कभी नहीं हो सकत। ये देख, का है हमरा हाथ में? उका असल कुंडली है ई, जो ओ खुद ही अपना हाथ से लिखा है। अब तो भाग्य भी देव और कनिका का शादी होने से ना ही रोक सकत। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो लगता है देव को कनिका से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर उसने अभय बनकर साइन किया होता पेपर्स पर, तब चिंता वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन इसने तो देव बनकर साइन किया है। यानी कि अब अगर उसकी याददाश्त वापस आ भी गई तो कात्यानी देवी और कनिका उसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे उसे। हाँ माँ, मुझे भी चिंता हो रही है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप ही तो कहती है ना, सच की राह पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही होती है। मुझे पूरा विश्वास है, कल भी जीत सत्य की ही होगी। कान्हा ने हमारा साथ हर मुश्किल में दिया है, और कल भी वो हमारा ही साथ देंगे।
हिटलर उस ससुर का अभय का दस्तखत भी ले लिया। बेटा रज्जन यदुवंशी कर ले हो तैयारी जिंदगी भर उस ससुर का जी हजूरी करने का। जी चाय। आइए विभा रानी जी, बहुत दिन बाद आपका सुंदर मनहूस चेहरा दिखाई दिया है। मिला लीजिए वो कहा है दो चार दिन हो चाय शरबत। उसका बात तो हमारे जिंदगी में ही भोग विलास कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ? सत्यानाश होएगा। अगर आज देव और कनिका का शादी हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। पहले ही तुम हमारी छाती पर कम हो मूंग डलने के लिए कि माई देव के पीछे और पड़ गई है। तो जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गया है। पहले ही माई तुम्हारे नाम का ढोल हमारे गले में लटका दी है। क्या करेंगे, एकदम बर्बाद हो गए। बस एक और कमी रह गई है, हमारे हाथ में मंजीरा दे दीजिए, बैठ के बजाते रहेंगे जिंदगी भर। ससुरा हमारी किस्मत का तो एकदम से बाजा बच गया है। ये देखो माई, बहन का शादी है आज और ये भाई को देखो मजे से बिस्तर में लोट रहे हैं, चाय सुड़कने का तैयारी मा। वाह जाओ ना लायक, जाके तनी कोनो काम धाम देखो, जाओ थोड़ा फराटे से चलो। विभा तू जल्दी से गौरी पूजा का थाली का तैयारी कर ले, हम जाके कनिका को देखते हैं कि तैयार हुई का नहीं। जी अच्छा अच्छा, अब वैशाली लेना तू ही बता दे। जी माँ जी, वैशाली वो गंगा जल का कलश और पूजा की बाकी सामग्री कहाँ है? माँ जी बिरजू से कहा है, वो लेकर आता ही होगा। अरे आ गए। माँ जी ये रहा कलश, हम अंदर रख देते हैं, फिर पूजा की बाकी सामग्री भी ले आते हैं। राधे राधे माँ जी। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे शास्त्री जी। आपने आज्ञा दी माँ जी और हम प्रस्तुत हो गए। आइए। ये दामाद बाबू और राधिका नहीं दिखाई दे रहे? देखो ए महारानी, उठो उठो, हम तो धन्य हो गए भाई, हम तोरा जैसे बेवकूफ औलाद पाके। कागज पे लिखवा लिए हैं, उका मतलब ई तो नहीं कि तुम घोड़ा बेच के सोई जाओ हिया। ऊ राधिका पूजा का वास्ते पूरा तैयार हुई गई होगी। अब उठो महारानी, गौरी पूजा का वास्ते तैयार हुई जाओ, उठो, बैठी हो घोड़ा बेच के, चलो। राधिका जी नहीं नहीं, दरवाजा बंद नहीं कर रहे हम। राधिका जी क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? क्या बात है? अरे इतना बड़ा बात हो गया और आप पूछ रही क्या बात है? अरे राधिका जी, कल हमारी माई ने असंभव को संभव साबित कर दिया है, उदय बाबू के दस्तखत भी ले लिए हैं और आप पूछ रही हैं क्या बात है? राधिका जी समझिए, देव बाबू तो गए आपके हाथ से, अब आप क्या करेंगे कुछ सोचा है आपने? कहाँ
देखो रचन, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। अरे प्रभु, भाग्य के भरोसे रहने वाले ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहे हैं हम। अरे राधिका जी, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो समझिए बाजी गया आपके हाथ से। राधिका जी, हम आपको यहाँ बहुत जरूरी बात बताने के वास्ते आए। वो जो अभय है ना, असली वाला, वो कनिका का। छोटी बहू, आपके माँ बाबू जी नीचे आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सुनिए, अब क्या होगा माँ जी? आपने हमें इस विषय में सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। पूरे घटनाक्रम से हमें अनभिज्ञ रखा आपने। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया माँ जी, जो आपने हमें पराया मान लिया? ऐसा क्यों कह रहे हैं शास्त्री जी? अरे आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमारी हर मुसीबत में सामने से आकर हमारी मदद की है। बस ये सब इतनी अचानक और जल्दी हो गया कि हमें खुद को ही समझ नहीं आया। चाय लीजिएगा। पूजन के पश्चात? पूजा के बाद ले आना। पता नहीं और कितने कष्ट लिखे हैं कान्हा ने मेरी राधिका के जीवन में। कौए को चूना पोत देने से कौए का भाग ना बदल जावत है। कुछ लोग काला भाग लिखवा के आवत है। ये बहुरिया ही अपनी पेट की जनी विशाखा की इतनी चिंता की होती ना, तो आज मुर विशाखा हम सबके सामने यहाँ होती। माँ पूर्व की सारी बिसार दीजिए, मुझे तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता हो रही। विवाह जैसा पवित्र बंधन और ऐसा घोर अनर्थ कदापि नहीं। मां, सदा सौभाग्यवती रह बिटिया। अखंड सौभाग्यवती रहो। अम्मा, राधे राधे। राधिका, शादी की सारी तैयारियां देख ली? जी दादी माँ। ये आप लोगन ने ना देव बाबू और राधिका की बार बार शादी कराई के अच्छा मजाक बनाई दी हो। समधन जी, ये मजाक नहीं है। अक्ति की तिथि में ये सांकेतिक विवाह है और शास्त्रों में कहा है कि इस दिन शादीशुदा जोड़ा अगर फिर से शादी करता है तो वो जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के बंधन में बन जाता है और उनके जीवन से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। छोटी बहू, गौरी पूजा का समय हो गया है। चल बिटिया, मैं तेरी मदद करती हूँ। हाँ माँ। चलिए शास्त्री जी, हम लोग भी वहीं चलते हैं। जा बिटिया, कलश उठा ले।